Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खंडेराव ने किए अहिल्याबाई के सारे सपने चकनाचूर। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, इसके ऊपर बात करते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, हमने आपने देखा कि किस तरीके से अहिल्याबाई को उसकी सखियां छेड़ती हैं और उसको लेके जाती है साथ में के हरकू बाई साहब आपकी राह देख रही है। दोस्तों, मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि शादी के बाद जो पहली रात होती है, हालांकि अहिल्या की शादी तो बाल विवाह बचपन में हो गई थी, तो लेकिन पहली रात जो होती है, भले को रानी हो पटरानी हो, भले ही एक आम महिला हो, वो हर महिला के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताउम्र याद रखे जाते हैं वो पल, वो पहली रात के पल। लेकिन हम देखते हैं कि अहिल्याबाई को कैसे सखियां छेड़ती है और उसके बाद हरकू भाई साहब किस तरीके से उनको तैयार करती हैं और अहिल्याबाई शर्माती हैं। डेफिनेटली की पहली बात रात की जो एक्साइटमेंट होती है, जो वो चीजें, वो मिलन की रात होती है, हर महिला को उसका एक इंतजार होता है, वैसा ही अहिल्याबाई को भी है कि 7 साल तक जो इंतजार किया वो खंडेराव के साथ, वो मिलन की जो रात है। तो यहां पे फिर गौतमा भाई साहब की उनको समझाती है, पूरा ग्राउंड जो तैयार की जाती है। लेकिन वहां पे जाके हम प्रोमो में देखते हैं कि कमिंग अप में के उस रात को खंडेराव आते हैं, हालांकि आके बातचीत करते हैं, कड़ी लगाते हैं और फिर आके अहिल्या से बातचीत करते हैं थोड़ी, और फिर हमको कमिंग अप में दिखाया जाता है कि अहिल्या रात को उठते हैं और अचानक से शौक में कहती हैं एक तरफ को देख के, छोटे सूबेदार जी। दोस्तों, आम जिंदगी में भी ये जो रात की मैं बात कर रहा हूं कि कई बार महिलाएं वेट करती, इंतजार करती रह जाती है, पति बाहर दोस्तों के साथ शराब में धुत होके आता है या कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके जो सपने हैं चकनाचूर हो जाते हैं। वो रात वो जिंदगी में कभी नहीं भूलती, अगर खुशी के पल हो या फिर पति ने उसके साथ ऐसा किया हो, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक कांटा सा चुभ जाता है। तो अहिल्याबाई के साथ अगर ऐसा हुआ, जैसा कि देखने को मिलता है, हम देखेंगे कि क्या होता है। जैसा कि बहुत सारी बातें पहले भी खंडेराव के बारे में कही गई थी कि खंडेराव शराब पीने लगे थे, तो हालांकि कहीं से इसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन अगर ऐसा है कि गम गलत करने के लिए खंडेराव पहली रात को ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो फिर ये बात जो है डेफिनेटली कहीं ना कहीं अहिल्या देवी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है कि पहली रात जो शादी की, जो पहली मिलन की रात होती है, यादगार रात होती है, उसको कर दिया है खंडेराव ने चकनाचूर। हम और आप उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन होगा कुछ ऐसा ही दोस्त। तो कैसे इस चीज को कवर अप करेगी, कैसे भूल पाएंगी और खंडेराव का इसके बारे में क्या होगा जवाब, तो कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।